हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, देखिए आपका यह जो है यूपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए जा चुके हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता है, वैकल्पिक विषय का, ठीक है। और क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्जाम भले ही मेंस के एग्जाम में होगा, ठीक है, बट आपको अभी ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कौन कौन से मुख्य विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के रूप में हमें मौका मिलता है चुनने के लिए। तो देखिए, यहाँ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया हुआ है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बोटेनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। तो ये कुछ सब्जेक्ट हो गए जो आपने देखा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो साहित्य लेकर पढ़ते हैं, लिटरेचर लेकर पढ़ते हैं, तो आप लिटरेचर को भी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप चुन सकते हैं या फिर उसका चयन कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट जो इसमें बताए गए हैं वह असमीज, बंगालीज, बोडा, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये कुछ आपके वैकल्पिक विषय का जो है एज ए ऑप्शन के तौर पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको खुद मिल जाएगा। क्योंकि यह मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि प्रीलिम्स में ही आपको मेंस एग्जामिनेशन का ऑप्शन चुनना होता है और आपको फॉर्म भरते वक्त जो है या अप्लाई करते वक्त आपको इसका सिलेक्शन करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। एक बात का और ध्यान रखें जाते जाते कि ऑप्शन सब्जेक्ट एक बार अगर आपने चयन कर लिया तो इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होगी मेंस में, जब मेंस का DAF भराएगा, तो इसलिए अभी ही इसको सोच समझ कर चुने, ठीक है जी। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।